वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। गुड इवनिंग क्लास। चलिए हम अपनी क्लास आज थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं, विच इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है नाउन, जिसको आपको नाम सुन के लग रहा होगा ये तो बहुत इजी टॉपिक है, बट नाउन जो है हमारा सारे सब्जेक्ट्स में सारे ही आपके पॉइंट से रिलेट करता है, वो आपका सेंटेंस करेक्शन हो, कैप्स हो, आरसी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप हमेशा पेपर में छोड़ के आ जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन शॉर्ट वी से आरसी, क्लॉज, नाउन क्लॉज हो, आपकी एडजेक्टिव क्लॉज हो। जब तक आप नाउन को नहीं पहचानेंगे आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कैसे ये डिसाइड होगा कि हम इस सेंटेंस में एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपकी ये क्लॉज होती है। तो इन सबको डिसाइड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें नाउन पर अपनी सबसे ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन को समझने के पहले पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, साथ में एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज कहाँ से बनी है? लैंग्वेज बनी होती है साउंड से, जैसे कि हमारे 44 साउंड्स होते हैं, तो ये लैंग्वेज बनी है साउंड से, और साउंड से ही लेटर बनते हैं, और लेटर के ही मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन को, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो वर्ड, वर्ड के साथ क्या लगा है? मीनिंगफुल वर्ड। तो मीनिंगफुल, जब लेटर को आप लिखते हो, गो, कम, इनका कुछ मतलब होता है। ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया ई एफ जी एच करके तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। लेटर का कॉम्बिनेशन तो हुआ, ग्रुप तो हुआ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मीनिंगफुल वर्ड जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ड। और वर्ड से ही हमारे डिसाइड होते हैं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो हम पहला देखते हैं कि डिसाइड करते हैं नाउन, व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या होता है? इन शॉर्ट वी से नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं। इनको हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इनको हम कहते हैं या तो ये विजिबल होंगे आपको, या आप इनको केवल फील कर सकते हो। तो ये हमारे हो गए नाउन। सेकेंड हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसा कि ये नाउन से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। बार बार नाउन का रिपीटेशन करने से बेटर होता है कि हम उसकी जगह एक वर्ड को यूज़ करें, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एड मीन्स टू सम, किसी चीज़ को ऐड करना। तो इसकी आप डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी होगी? द वर्ड विच डिस्क्राइब और क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। इनकी जो विशेषता बताता है, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो व्हाट इज़ राम इन दिस सेंटेंस? राम इज़ अ गुड बॉय। तो राम इस सेंटेंस में क्या है? राम नाउन है और बॉय भी नाउन है, और जो इसकी क्वालिटी बताता है वो क्या हो जाता है? हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। अगर हम सेम कह दें ही इज़ गुड, तो भी हमारा ये जो गुड है वो किसकी विशेषता बता रहा है? ही की, कि वो क्या है? वो अच्छा है। तो ही हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, और गुड क्या हो जाएगा? गुड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, आपने कई बार सुना होगा कि हम कैसे डिसाइड करें कि ये आपका एडजेक्टिव है या फिर आपका डिटरमाइनर है। आपने भी सुना होगा कई बार कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव और डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है, डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइन करना, किसी चीज़ को निश्चित करना, डिटरमाइनर होते हैं। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स किसी की क्वालिटी बताना। जैसे कि अगर हम गुड बैड बोलें तो ये उसकी क्वालिटी हो जाती है कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है। लेकिन डिटरमाइनर क्या करते हैं? वो चीज़ मेरी है या वो चीज़ थोड़ी है, हमने ये डिसाइड कर लिया, निश्चित कर लिया। अगर वो पूछा जाए वो कार है, वो किसकी कार है, तो हम बोलेंगे वो मेरी कार है, ये हम निश्चित कर रहे हैं। या अगर बोली जाए वो कार कैसी है, तो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, वो कार अच्छी है। तो ये हो जाता है एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में बेसिक सा डिफरेंस, जिसको हम आगे जाके
एक बार ब्रीफ में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, किसी चीज़ का करना या होना पाया जाए उसको हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं, जिन्हें एक्शन वर्ड कहते हैं। हैपनिंग होती है, जो घटनाएं घटित होती हैं उनको भी बोलते हैं। और हमारा होता है पजेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पजेशन। पजेशन मीन्स होता है ओनरशिप, रखना। जैसे अगर हम बोलें राम ने काम किया, राम हैज डन हिज वर्क। तो जब यहाँ पे उसने कुछ काम किया, राम ने क्या किया, राम हैज डन हिज वर्क। तो राम ने क्या किया, अपना काम किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने कोई एक्शन किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हैपनिंग, कोई भी घटना घटित होती है। इट इज़ रेनिंग, यहाँ पर बारिश हो रही है, तो ये घटना हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्शन आपने हैपनिंग बोला। अब नेक्स्ट होता है पदेशन। पदेशन मीन्स, अभी हमने आपको क्लियर किया था, पदेशन मीन्स ओनरशिप, रखना। जैसे कि मेरे पास एक कार है या मेरे पास एक डॉग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ कार। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हैव जो है ये आपको क्या शो करेगा, ये आपको पदेशन शो करेगा कि मेरे पास एक कार है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे ही हमारा सेंटेंस डिसाइड होता है, इसलिए मैं पार्ट ऑफ स्पीच में हर एक पार्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेस पे ही हम अपना आरसी या सेंटेंस करेक्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होता है एडवर्ब। एडवर्ब जो क्या कर रहा है, कुछ ऐड कर रहा है, किसमें, वर्ब में ऐड हो रहा है। वर्ब में कैसे ऐड होगा, जैसे कि आपने लिखा राम केम टुडे यस्टरडे, या मोहन वेंट होम। तो अभी तो आप यहाँ पर कहेंगे कि होम तो एक नाउन है, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, लेकिन हमारे वर्ड के हिसाब से, हमने वर्ड को किस तरीके से यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग हम तय करेंगे कि हमारा प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या नाउन है। जैसे पूछा गया राम आया, तो आप पूछोगे कब या कहाँ, तो हम बोलेंगे कल आया था, तो कल क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। और मोहन वेंट हो, मोहन गया, तो आप क्या बोलोगे, कहाँ, जहाँ पे, वेयर, वाई, हाउ, इनका साउंड आता है, वहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा कि उस वो दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, दौड़ना हमारा वर्ब हो गया, और कैसे दौड़ना हमारा एडवर्ब हो जाता है। वो गया, कहाँ गया, कैसे गया, ये सारी चीज़ें हमारी एडवर्ब हो जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन होता है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है हमारा प्रीपोजिशन होता है, सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट होता है प्रीपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्री मीन्स होता है पहले, जैसे प्रीपोन, प्रिपेयर, तो प्री मीन्स होता है पहले। प्रीपोजिशन मीन्स क्या हो जाएगा आपका, जो आपको पोजिशन से पहले ही बता दे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, दिस बुक इज ऑन द टेबल। तो जब चीज़ों को रिलेट किया जाए, आप प्रीपोजिशन को कह सकते हो रिलेटिंग वर्ड। तो ये बुक जो है वो कहाँ पर है, टेबल, टेबल के ऊपर है, टेबल के अंडर है, टेबल के नीचे है, कहाँ पर है, ये चीज़ें आपको कौन बता रहा है, ये वर्ड बता रहा है, यही वर्ड हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन, जो जस्ट आपके रिलेटिंग वर्ड होता है, जो एक नाउन से दूसरे नाउन को रिलेट करता है कि वो चीज़ वहाँ पर कहाँ है, उसके पास में है, उसके नीचे है, उसके अंदर है। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, द कैट इज अंडर द बेड। तो आपने क्या किया, दो सेंटेंस को जोड़ा या दो वर्ड को जोड़ा, नहीं, दो वर्ड को आपने रिलेट किया है कि कैट कहाँ पर बैठ के नीचे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं। एक नाउन और एक प्रीपोजिशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा सेकेंड लास्ट है कंजेक्शन। जैसे आपने जंक्शन वर्ड सुना होगा, जंक्शन मींस जोड़ना, कॉन मींस होता है साथ में, तो ये वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, जो चीज़ों को साथ में जोड़े। जैसे
दो नाउन को जोड़ना, राम एंड श्याम आर टू बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो दो वर्ड को जोड़ रहा है, ये दो नाउन्स को जोड़ रहा है, वो क्या हो जाएंगे, वो आपका कंजेक्शन हो जाएगा। कंजेक्शन अच्छा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने उसको पार्टी में बुलाया था, आई इन्वाइटेड हिम फॉर द पार्टी बट ही डिड नॉट केम, लेकिन वो बट ही डिड नॉट कम, तो वो नहीं आया। जो ये बट हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, यही सेंटेंस को अलग कर रहा है। तो यहाँ पे कंजेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा एंड हो जाएगा। दो नाउन को इसने जोड़ा है और हमारे दो सेंटेंस को भी जोड़ता है, उनको भी हम क्या बोलेंगे, तब भी ये हमारा क्या हो जाएगा, बट। इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज, या फिर क्लॉज बोलते हैं, वो हमारे डिपेंड करते हैं कि हमने किस किस क्लॉज, उसमें मेन हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आज का लास्ट है प्रीपोजिशन, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि अभी CDS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ही एक एरर आई थी। तो जब हमें बहुत ज़्यादा सडन कोई फीलिंग होती है, जैसे कि हम अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ब्रेवो यू हैव वॉन द मैच, तो आपने एग्ज़ाम जीत लिया है, एग्ज़ाम को या मैच को जीत लिया है, या फिर आपने बहुत अच्छा किया है, या बहुत ज़्यादा दुखी हो, आलस कुछ भी लेके परेशानी हो जाती है, इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कई बार आपके नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। जब हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, हमें फीलिंग्स को पहचानना होता है कि वो क्या कह रहा है, एक्साइटमेंट है, खुशी है, या बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन था, जिसको हम आगे जाके एक बार एक्सप्लेन करके फिर अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, नाउन। तो आपको भी मैंने क्या बताया, नाउन इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड, जिस चीज का भी नाम है वो आपका नाउन है। सिंपल नाउन को हम क्या कह सकते हैं, विजिबल, जो चीज हमें दिख रही है वो सारी नाउन है। मैं आपको दिख रही हूँ नाउन है, आप लैपटॉप देख सकते हो नाउन है, स्मार्ट बोर्ड देख सकते हो नाउन है, मार्कर नाउन है, और या फिर फील, जिसको फील कर सकते हो, जैसे कि आप पर्सन को देख सकते हो, आप प्लेस को देख सकते हो, थिंग्स को देख सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो, किसी भी जगह को देख सकते हो, ये सब क्या हो जाएंगे आपकी नाउन। फील करने के लिए, फील में आप क्या कर सकते हो, एंगर है, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को प्यार आ रहा है, काइंडनेस है, कोई बहुत ज़्यादा दयालु है, तो वो भी क्या है, नाउन है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ आप सबसे पहले ही एक एग्जाम्पल आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देते हैं, वो क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हम ये जिसके लिए आपको रिप्लाई आए, जैसे बोल दे राम इज अ गुड बॉय, तो आपने क्या बोलेंगे, अगर हम इसको क्वेश्चन से डिसाइड करें, हु इज अ गुड बॉय, जब हु का रिप्लाई आ जाए, हु इज अ गुड बॉय, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। नाउन क्या हो जाएगा, राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पर ये क्या है, ये भी नाउन है, ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपने बोला कि हु का अगर रिप्लाई आता है तो वो नाउन है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम बीट्स मोहन, अभी तो हु का रिप्लाई आया, तो यहाँ पर अगर हम हु लिखते हैं, हु का रिप्लाई क्या, किसने मोहन को पीटा, तो आप क्या बोलोगे, राम ने, तो हु का रिप्लाई आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर भी हु आएगा, नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसने किसको पीटा, तो आपने पढ़ा भी होगा इंग्लिश में, हु सेड टू हुम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। तो आपका नाउन क्या हो जाएगा, हु का आंसर, होम का आंसर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, होम हो जाएंगे। तो क्या चीज़ों के लिए भी हम हु यूज़ करेंगे, या जगह के लिए भी हम कौन यूज़ करेंगे, जगह के लिए या चीज़ों के लिए हम क्या पूछेंगे, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ दिस। अगर हम पूछें ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ स्मार्ट बोर्ड, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट। अच्छा, फीलिंग्स के लिए क्या हो जाएगा, एंगर के लिए, उसको गुस्सा आ रहा है, तो बोलेंगे क्या आ रहा है, तो क्या हो गया हो जाएगा, फीलिंग, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, व्हाट। तो ये हो गया हमारा नाउन का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम सबसे पहले नाउन को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि नाउन तो आप कह दोगे जो चीज़ दिख सकती है वो सारी नाउन है, अगर ऐसा है जिस चीज़ का भी नाम है वो सारी नाउन है। तो देख लेते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, गुड। तो राम को हम देख सकते हैं, राम नाउन है,
और आपको अभी अपने बताया था हु का रिप्लाई जो देगा वो सारा नाउन है, हु का रिप्लाई यहाँ पर आपने दे दिया। इस सेंटेंस में फिर ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, कौन अच्छा लड़का, तो कौन का रिप्लाई आप क्या दोगे, वह एक अच्छा लड़का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हु। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों के केस में आप क्या बोलेंगे, हु का रिप्लाई, तो ये भी हमारा ये क्या हो जाएगा, हु का रिप्लाई, ये भी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कौन का रिप्लाई आप केवल ये नहीं बोलेंगे, कौन के रिप्लाई में सिर्फ नाम आ सकता है, कौन के रिप्लाई में नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। अच्छा थर्ड सेंटेंस हमारा देखते हैं, आपने बोला आपको डाउट क्रिएट हुआ कि जो चीज़ हम देख सकते हैं वो नाउन है, तो जैसे आपने बोला ही बॉट गोल्ड, वो सोना लेकर आया, तो आप सोना को तो देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा ही बॉट गोल्ड, वो सोना लेकर आया। और थर्ड है ही बॉट गोल्ड रिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने तो अभी कहा कि जो चीज़ हम देख सकते हैं वो सारी नाउन है, तो हम सोने को देख सकते हैं, तो सोना क्या हो जाएगा, सोना यहाँ पर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वो क्या लेकर आया, ही बॉट रिंग, वो अंगूठी लेकर आया, वो अंगूठी किस चीज़ की है, वो अंगूठी हमारी सोने की है, तो ये रिंग की विशेषता बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है किसकी, रिंग की क्वालिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। तो हम सिर्फ सीधे देखते ही नहीं बोल देंगे कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग तय करेंगे, सेंटेंस को थॉरली पढ़ के डिसाइड करेंगे कि ये हमारा नाउन है या प्रोनाउन है। सो हमें नाउन की थॉरली नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब चलते हैं हम नाउन के बेसिक नॉलेज पर, नाउन की आइडेंटिफिकेशन तो हो गई, अब चलते हैं हम नाउन की डेफिनेशन, तो आपने पढ़ी ली, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग, और क्या होता है, बेसिकली आइडिया भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, तो ये सब हमारी नाउन की डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं हम नाउन के अपने पार्ट्स पर, सबसे पहला क्या हो जाता है, कॉमन नाउन, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। दूसरा है प्रॉपर नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, आपको कलेक्टिव नाउन की शीट हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और फिफ्थ होता है मटेरियल नाउन। यहाँ पर क्या हो जाता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को कैसे पहचानेंगे, जो चीज़ दो लोगों में या कुछ भी किसी भी चीज़ में कॉमन है, जैसे अगर हम स्कूल की बात करें, तो अगर हम किसी भी दो स्कूलों की बात करें, तो दो स्कूल्स में क्या कॉमन होता है कि वो दोनों क्या है, स्कूल्स हैं, वो दोनों बिल्डिंग्स हैं, तो ये उनमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगर हम पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करते हैं, राम मोहन, तो ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर उनका नाम हो जाएगा, प्रॉपर नाम हो जाएगा। प्रॉपर नाउन को हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये बोलते हैं ना वो आया था वो गया था, तो लोग बोलेंगे कौन आया था कौन गया था, उनका कोई प्रॉपर तो नाम होगा, तो हम क्या बताएंगे, राम आया था मोहन आया था, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और प्रॉपर नाउन से हम कॉमन नाउन कैसे डिसाइड करेंगे, राम और मोहन में क्या कॉमन है, तो दोनों में ये कॉमन है, ये दोनों बॉय हैं। अगर दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो हम क्या बोलेंगे, दोनों क्या हैं, दोनों एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन मीन्स किसी चीज़ को इकट्ठा करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना, जैसे आपसे स्कूल में बोला जाता है कॉपी को कलेक्ट कर लीजिए, नोटबुक को सब कलेक्शन के लिए सबमिट कर लीजिए, तो आप क्या करते हो, कलेक्ट करके अपने मैम या टीचर्स को सबमिट करते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा सबसे इम्पोर्टेंट कैटल, जिसमें सारे बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एरर करके आते हैं, आर्मी, आर्मी क्या होती है, ये सारे जो आपके कलेक्शंस की बात हो रही है, जहाँ पर भी चीज़ों को एक साथ किया जा रहा है, सेम चीज़ों को, सेम टाइप की चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। हमारा नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कि आप हिंदी से पढ़ सकते हैं भाववाचक संज्ञा,
भाववाचक संज्ञा क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाव, भाव का मतलब क्या होता है, जब हम चीज़ों का भाव निकालते हैं, फीलिंग समझते हैं। जैसे अगर हम किसी को देखकर बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, आप गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है, आप बहुत हंस रहे हो, टीचर्स कई बार बोलते हैं ना कि क्या हो गया हमें भी बता दीजिए, आप इतना ज़्यादा क्यों हंस रहे हो, तो हम उनकी फीलिंग्स को देख कर समझते हैं ना, वो में दिखता तो नहीं है, हम फील कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुशी खुश है, दुखी है। या अगर आपको मार्केट में आपने किसी को 500 का सामान लेने को भेजते हो और वो 500 का ले आए, या फिर आपने 400 रुपये का सामान मंगाया और वो 500 रुपये आपने दिए और उसने 100 वापस कर दिए, तो आप क्या बोलोगे, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईमानदारी है, ऑनेस्टी है। तो ये हम केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, भाववाचक संज्ञा। लास्ट है हमारा मटेरियल नाउन। जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है, मटेरियल नाउन मीन्स क्या हो जाएगा, जो चीज़ मैटर मैटर से बनी होती है। जैसे कि दूध किससे बना होता है या दही किससे बना होता है, तो कर्ड इज मेड अप ऑफ मिल्क, तो इसको बोलते हैं कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कर्ड किससे बना हुआ है, मिल्क से बना हुआ है, तो यहाँ पे मैटर का यूज हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब चलते हैं अपने नए टॉपिक नंबर सेकेंड पर, जो हमारा हो जाएगा काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड होते हैं, नाउन के दो काइंड होते हैं, पहला होता है अनकाउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल, जिसको आपने पढ़ा होगा, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, और जिन चीज़ों को हम नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल, या फिर आप कह सकते हैं जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं वो काउंटेबल हैं, और जिनका प्लूरल नहीं बनता है उनको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। जैसे हेयर, बैगेज, बैगेज और लगेज की एरर आप सबसे ज़्यादा एग्जाम में करके आते हो, क्योंकि आपने देखा होगा स्टेशन पर जो हमारा सामान लेके जाते हैं तो बोलते हैं अपना बोरिया बिस्तर, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपना बोरिया बिस्तर लेकर चलो। लगेज का मतलब होता है आपके पास एक बैग हो या 50 बैग हो, तो लगेज का मतलब लगेज ही होता है, सामान ही होता है। सेम होता है फर्नीचर, फर्नीचर में उसने क्या बनाता है, एक टेबल बनाता है, एक बेड बनाता है या एक चेयर, वो 50 बनाए, 500 बनाए या 10 बनाए, फर्नीचर की शॉप हमेशा फर्नीचर ही रहेगी, यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं हो जाता है, वो एरर हो जाती है, और वही आप एग्ज़ाम में करके आते हो। और काउंटेबल में क्या होता है, काउंटेबल जस्ट जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, बॉय, चेयर, कुछ भी हो सकता है, जिनका भी हम प्लूरल बना सकते हैं। तो काउंटेबल की आपको शीट हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा नेक्स्ट चलते हैं हमारे नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर्स ऑफ नाउन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि नाउन को हम सिंगुलर या प्लूरल में कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे कि अगर लिखा है बॉय, तो बॉय का सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर है, बॉय एक है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मीन्स एक से ज़्यादा क्या हो जाएगा बॉयज, वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। सेम गर्ल का गर्ल्स, टूथ का क्या हो जाएगा दांत, टूथ मीन्स दांत, और जब बहुत सारे दांत हो तो उनका प्लूरल क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। माउस का माइस हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ नाउन। हम ये प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल को कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको टूथ की एरर बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलती है, तो इस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपको बोला जाता है मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जिसके बहुत सारे भाई, जिसके बहुत सारे ब्रदर्स होते हैं, ब्रदर इन लॉज, तो अब क्या आपको एरर दे दी जाती है, ब्रदर इन लॉज, जो कि आपके क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस यहाँ पर नहीं लगा के, यहाँ पे जो संख्या बड़ी है वो किसकी बड़ी है, नाउन की बड़ी है ना, तो ब्रदर्स इन लॉ होगा, ना कि ब्रदर इन लॉज हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉज होगा। तो यहाँ पे इसमें एरर हो गई कि यहाँ पे एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, आपने पढ़ा होगा जेंडर के बारे में, तो जेंडर क्या क्या होते हैं, आपका मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर, और आपने मैस्कुलिन जेंडर मीन्स जिसमें बॉयज़ की बात हो, मेल की बात हो, फेमिनिन जेंडर
न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। इसमें बात हो जाएगी जैसे किसी लड़के का नाम बॉय है, मैन है, राम है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके मैस्कुलिन जेंडर। अगर हम बात करें सीता है, रिदम है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके फेमिनिन जेंडर हो जाएंगे। अगर हम न्यूट्रल जेंडर की बात करें तो प्लांट है, चेयर है, ट्री है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे न्यूट्रल जेंडर हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे टीचर, तो टीचर में हम क्या बोलेंगे, टीचरी आ गई, नहीं, टीचर मीन्स कॉमन जेंडर। डॉक्टर, अब डॉक्टर साहिबा आप लोग हिंदी में बोल देते हो, बट डॉक्टर एक कॉमन जेंडर होता है, वो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए ही यूज़ होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक कॉमन जेंडर हो जाएगा। अच्छा, आपको समझ में आया, तो मैं नेक्स्ट मूव करूँ। नेक्स्ट आपका हो जाएगा नाउन, जो है आपका सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसके बेस पे ही आप एरर कर सकते हो, क्योंकि नाउन अगर आप क्लियर कर लोगे तो एडजेक्टिव क्या लगेगी इसमें, इसमें वर्ब क्या लगेगी, इसमें एडवर्ब क्या होगी, वो हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके केस ऑफ नाउन, मीन्स नाउन को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है नाउन जो होता है किसी भी केस का हीरो होता है, सुपर स्टार होता है। जैसे अगर मूवी में अगर आप मूवी देखते हो उसमें हीरो ना दिया हो तो आप क्या मूवी को, आपको समझ में आएगी, सेंस नहीं समझ में आएगा कि इसमें हीरो कौन है। तो इस तरह सबसे पहले कौन हो जाता है, सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव फॉर्म, जो सब्जेक्ट के बेस पे तय होता है। दूसरा किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के केस में, जैसे कि अभी देखा था राम बीट्स मोहन, तो मोहन वाला केस क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा पजेशन, पजेशन मींस किसी को रखना, जैसे किसी का चीज, जैसे राम्स फादर, तो आप क्या बोलोगे, तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा के यूज किया जाता है, राम्स फादर, राम के पिताजी। माई बॉक्स, माई बॉक्स तो हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया, यहाँ पे बोल सकते सीताज बॉक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये सीता है इसको बोलेंगे पदेशन नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा के यूज करते हैं। और लास्ट होता है वोकेटिव, इसमें क्या होता है वोकेटिव के, इसमें क्या होता है कि किसी को संबोधन करते हैं, अगर जैसे कि बुलाते हैं राम, वेल डन, यू हैव डन दिस, तो जब हम राम को संबोधन करते हैं, राम को बुला के कुछ बात कहते हैं, तो उसको बोलते हैं वोकेटिव केस। ये हमारे चार केस हो जाते हैं, जिसमें कि आपने शायद फर्स्ट टाइम देखा होगा वोकेटिव केस, तो ये हमारे नाउन के केस हो जाते हैं। तो हम नाउन को पहचानेंगे कैसे, उसके हिसाब से, नाउन किस किस फॉर्म में हो सकता है, नाउन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, पजेशन के फॉर्म में और वोकेटिव फॉर्म में। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन। फंक्शंस ऑफ नाउन, नाउन को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पहला तो आपने देख लिया सब्जेक्टिव फॉर्म में, मीन्स वो सब्जेक्ट बन सकता है, सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत उससे होती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकता है, सब्जेक्ट केस में आपका लिविंग थिंग्स भी आ सकती है, मीन्स हु वाला क्वेश्चन है तो भी आपका सब्जेक्ट है, व्हाट वाला क्वेश्चन है तो भी सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के फॉर्म में हो वो बदलेगा, जैसे क्या हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, हिम हो जाएगा, बट आपका नाउन का कोई भी फॉर्म नहीं चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हुम, किसने किसको वाला सेंटेंस। और थर्ड होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, ही इज अ डॉक्टर या इट इज आई, ये मैं हूँ, राम इज अ डॉक्टर, तो राम को जब हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट का केस हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन के फंक्शंस हो जाएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एरर देखते हैं जो आपके कलेक्टिव नाउन के बेस पे अभी रीसेंट के एग्जाम्स में आई हुई थी, जिसमें आप सबसे ज़्यादा एरर करते हो, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे देखते हैं पहला एग्जाम्पल आपका कलेक्टिव नाउन के बेस पे, कलेक्शन का मतलब अभी आपने समझा था, कलेक्शन का मीन्स अभी आपने समझा था क्या होता है, किसी चीज़ को एक साथ करना है, कलेक्ट करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैटल्स, कैटल्स का मीन्स क्या होता है, कैटल्स का मीन्स वो जानवर जो क्या करते हैं,
जो घास को चरते हैं, मीन्स काऊ, बफेलो, गोट, शीप, तो ये क्या हो जाएंगे? कैटल्स मीन्स होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? एस नहीं होता है, और यहीं पर मोस्ट टाइम आप एस लगा के आ जाते हो, तो यहाँ पर ये एरर हो जाएगी, द कैटल्स आर नॉट। अगर आपने यहाँ पे एस नहीं दिया होता तो आप यहाँ पे आर लगा देते हो, तो ये एरर हो जाएगी, यहाँ पे आर नहीं लगेगा। द कैटल आर नॉट बींग फेड प्रॉपरली, कैटल्स को प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खिलाया गया। अच्छा एक एरर देखते हैं, ये तीन सेंटेंस आपने देखे होंगे, तीनों में कमेटी को अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया है। पहला है अ कमेटी हैज़ बीन फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द केस। इन्वेस्टिगेट मतलब तो आपको पता ही होगा, छानबीन करना, तलाशी। तो कमेटी मीन्स क्या हो जाएगा? अ कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड, यहाँ पे लिखा द कमेटी आर डिवाइडेड, और यहाँ पे लिखा टू कमेटीज, कहीं पर ई में एस लगा है, कहीं पर नहीं लगा है, तो इसको कैसे देखेंगे? कमेटी मीन्स होता है लोग, जो आपके इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ कमेटी, एक कमेटी बनाई गई। अब उसमें 10 लोग हो, 50 लोग हो, वहाँ पे सिर्फ एक कमेटी, एक ग्रुप की बात की गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर की तरह ट्रीट की जाएगी कि एक कमेटी बनाई गई है। और यहाँ पे क्या है? द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। मान लीजिए कोई एक कमेटी, उसमें 10 लोग हैं, सबका अलग अलग ओपिनियन है, किसी ने बोला कि इस चीज़ पर यहाँ पर ये काम होना चाहिए, तो उसने 2 लोगों ने बोल दिया हाँ होना चाहिए, ठीक है, 2 लोगों की यस में हो गया, 2 लोगों का नो में हो गया, और 2 लोगों ने कह दिया हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, वो अपने अपने मत में अलग अलग बट गई। तो यहाँ पे कमेटी एक तरह से वर्क नहीं करके बहुत तरीके से अलग अलग चीज़ों में बट गई है, उनके अलग अलग ओपिनियंस हो गए, अलग अलग व्यूज़ हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमेटी किसकी तरह ट्रीट की गई है? प्लूरल की तरह ट्रीट की है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। फिर कहते हैं यहाँ पर टू कमेटीज हैव बीन फॉर्म्ड, अभी आपने देखा कि कमेटी के साथ हैज लगा है तो सही है, फिर यहाँ पे हैव कैसे हो गया? और कमेटी का तो एस नहीं लगता है, फिर यहाँ पे कैसे? लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया गया? टू, 2 कमेटी बनाई गई हैं, तो यहाँ पे कमेटी कितनी हो गई? एक नहीं है, 2 हैं। 2 कमेटीज हैव बीन फॉर्म्ड, तो यहाँ पे 2 कमेटी बनाई गई हैं, और यहाँ पे कमेटी में दो में ऑप्शन, उनके ओपिनियंस में फ़र्क हो गया है, इसलिए यहाँ पे कमेटी क्या हो गई? 2 चीज़ों में डिवाइड हो गई है। सेम एग्जांपल टीम के लिए, जब हम टीम की बात करते हैं, जैसे अगर हम क्रिकेट टीम की बात करें तो उसमें 11 मेंबर्स होते हैं, 11 मेंबर्स में अगर सब में एक ओपिनियन हो कि हमें इस टीम को हराना है या इस कंट्री को हराना है, सबका एक जैसा पॉइंट ऑफ व्यू हो कि पहले ये कैप्टन बनेगा, ये ओपनर होगा, ये इस तरह से बॉलिंग करेगा, तो सबकी बात एक सी है, तो टीम एक तरह से वर्क कर रही है। बट अगर उस टीम में ही झगड़ा हो जाए, नहीं पहले हम बॉलिंग करेंगे, पहले हम बैटिंग करेंगे या हम ओपन करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? टीम में, टीम की तरह वो वर्क नहीं कर पाएंगे ना, टीम की तरह अगर वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? टीम अलग हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखते हैं, द टीम इज़ ऑल एगॉग, ऑल एगॉग आपका एक इडियम्स होता है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, सुपर एक्साइटेड होना। द टीम इज़ ऑल एगॉग टू प्ले, टीम क्या है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है खेलने के लिए। मतलब अगर क्रिकेट टीम की बात की जाए तो क्रिकेट टीम क्या है? बहुत ज़्यादा खुश है क्रिकेट मैच खेलने के लिए। तो टीम ने किसकी तरह वर्क किया? एक इंसान की तरह, एक पूरे प्लेयर की तरह वर्क किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीम एक पर्सन की तरह बात कर रही है। सेम है, द टीम आर फाइटिंग विद वन अदर, अब यहाँ पे क्या हुआ? जो 11 लोगों की टीम थी उसमें झगड़ा हो गया, 5 एक तरफ हो गए, 6 एक तरफ हो गए, तो ये क्या हो गया? ये अब टीम की तरह काम कर रही है, अब ये क्या मैच को प्रॉपर खेल पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया? टीम्स आर फाइटिंग विद वन अनदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीम में झगड़ा हो गया, इसलिए यहाँ पर आर हो गया, क्योंकि टीम में क्या हो गया? मतभेद हो गया, ये अलग हो गई। और यहाँ पे क्या है? इज क्यों है? क्योंकि क्या हो रहा है? टीम जो है आपकी एक तरह से वर्क हो रही है। सेम आपने एक मूवी देखी होगी ज्यूरी के बेस पर, रुस्तम मूवी। रुस्तम मूवी में क्या था कि कुछ लोग कह रहे थे कि रुस्तम गिल्टी है, कुछ कह रहे थे कि रुस्तम गिल्टी नहीं है, कुछ कह रहे थे कांट डिसाइड। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम जूरी की बात करें, जूरी क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस। जब इनका एक मत होता है कि किसी को बोल दिया ये गिल्टी है, तो बात खत्म हो जाती है, तो जूरी एक एक ग्रुप की तरह बात कर रही है, तो वहाँ पे सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज़ हो जाएगी कि ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया, अपनी बात कह दी है। अगर उनके में मतभेद हो जाए, उनका डिसीजन अलग अलग हो जाता है, तब हम क्या बोलेंगे? तब यहाँ पे ज्यूरी एक टीम की तरह वर्क नहीं करती है। एक एग्जांपल भी दिया है, द ज्यूरी हैज़ डिफरेंट व्यूज़ ऑन दिस इशू,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यूरी हैज डिफरेंट व्यूज ऑन दिस इशू. अब ज्यूरी के क्या हो गया, अलग अलग इश्यूज हो गए, तो यहाँ पे हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा. क्या हो गया, ज्यूरी हैव डिफरेंट व्यूज, उनके अलग अलग मत है. कोई बोल रहा है कि वो गिल्टी है, कोई कह रहा है नहीं गिल्टी है, कोई कह रहा है कि हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो सबके अपने अपने इश्यूज हो गए, तो ये एक तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं. ये ग्रुप ऑफ जजेस में भी थोड़ा सा मतभेद हो गया है. अगला देखते हैं, ज्यूरी हैज गिवन इट वर्डिक्ट. सपोज करिए किसी को जेल होनी है, लाइफ टाइम सेंटेंस होना, तो अब क्या बोलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट. वर्डिक्ट भी हमारा नाउन होता है, और ये कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मींस ज्यूरी ने अपना मत दे दिया है, अपना फैसला सुना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट. ज्यूरी ने अपना फैसला सुना दिया है, और जो फैसला है वो एक मत में, जो भी डिसीजन लिया गया है, चाहे वो गिल्टी का हो चाहे वो नॉन गिल्टी का हो, वो एक ही फैसला हो गया. तो ज्यूरी ने एक तरह से वर्क किया है, एक टीम की तरह वर्क किया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यूरी हैज गिवन. अगर यहीं पर इनका फैसला अलग अलग होता तो फिर यहाँ पे हो जाता ज्यूरी हैव गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियंस. फिर नेक्स्ट है द पीजेंट्री. पीजेंट्री क्या होता है, द पीजेंट्री हैव बिकम एन आर्ड्यूस जॉब. पीजेंट्री मीन्स जो किसान लोग होते हैं, जो अपनी लैंड को किराए पर देते हैं या उसमें काम करते हैं, उनको बोलते हैं पीजेंट्री. पीजेंट्री हैव बिकम एन आर्ड्यूस जॉब. जो पीजेंट्री एक ऐसी जॉब हो चुकी है, आर्ड्यूस जॉब, आर्ड्यूस आपका एडजेक्टिव हो जाता है. आर्ड्यूस जॉब मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत वाली जॉब, बहुत ज़्यादा कठिन जॉब. तो ये क्या हो जाएगा, पीजेंट्री हैव बिकम एन आर्ड्यूस जॉब. पीजेंट्री मीन्स किसान की खेती जो करते हैं उसको बोलते हैं. ये एक सिंगुलर की तरह वर्क करती है जो, तो आप क्या बोलेंगे, द पीजेंट्री हैव बिकम एन आर्ड्यूस जॉब. आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर सच मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू क्लास.